एक वन लिखा मैंने, वन के साइड में टू इमेजिनरी जीरो मान रहा हूँ मैं, यहाँ भी जीरो लिखा हुआ है और यहाँ भी जीरो लिखा हुआ है। अब इनको क्या, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, अगेन यहाँ पे जीरो सपोज कर लिया मैंने, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस वन वन, वन एंड वन टू, दोबारा साइड में कॉर्नर में जीरो को इमेजिन बना लिया, जीरो वन, टू वन थ्री, टू वन थ्री, वन जीरो वन, अगेन वही करना है, जीरो इमेजिन करके वन जीरो वन, थ्री फोर, तीन तीन छः, तीन और एक चार, और एक और जीरो एक, जीरो मान लेना है यहाँ भी और यहाँ भी, एक जीरो एक, चार और एक पाँच, छः चार दस, छः चार दस, चार और एक पाँच, एक जीरो एक, एक और देख लेते हैं, जीरो यहाँ जीरो, जीरो वन जीरो, पाँच और एक छः, दस पाँच पंद्रह, दस और दस बीस, दस पाँच पंद्रह, पाँच और एक छः, तो एक जीरो। जब मैं जोड़ता जाऊँगा तो ये कहीं रुकी रुकी, ये सीरीज कहीं रुकी नहीं रही है। इस ट्रायंगल में खास क्या है, ऐसा लग रहा है कि एट रैंडम कुछ मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, पर हम ये देखेंगे जब इसको ध्यान से देखेंगे कि वन 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 वन, यानी हर नंबर में जीरो ऐड हो रहा है। नेक्स्ट को देखते हैं तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस वन, नेचुरल नंबर का डायग्राम आपको मिल गया है। आपको नेक्स्ट को देख ध्यान दे देंगे तो वन प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस टेन प्लस फिफ्टीन, वन थ्री सिक्स में वन टू, तो हमें देख रहे हैं कि वन फिर टू में ये अगेन ट्रायंगल जैसा शेप बन रही है, इसी हमने छः को लगाया, ये एक ट्रायंगल बन रही है, तो ये ट्रायंगुलर नंबर की हमारी वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन। नेक्स्ट जो कॉलम है वो हमारा टेट्रा चार चतुर्भुज का हमारा एक शेप दे, टेट्रा की शेप दे रहा है। हम इसमें देखेंगे कि अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई की घात एन, तो ये पहला एक किसी भी घात जीरो एक, एक्स प्लस वाई की घात दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की घात तीन, जितने के हम लगाते रहेंगे उस रो में उसका फार्मूला बनता रहेगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये नंबर चार में एक्स प्लस वाई की घात चार का फार्मूला बना हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर इसको सम करें, टू की पावर जीरो वन, वन और वन टू, टू की पावर वन दो और एक तीन और एक चार, टू की पावर टू तीन और एक चार, तीन सात और एक आठ, टू की पावर तीन, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नीचे अगर सम करते चले जा रहे हैं, नेक्स्ट को देखते हैं तो चार और एक पाँच, चार नौ और एक दस और छः सोलह, टू की पावर फोर, तो टू की पावर एक, दो दो की घात, दो की घात जीरो, दो की घात एक, दो की घात, हर एक रो में दो की घात पड़ती जा रही है। ये अभी हम एक पैटर्न, अभी पैटर्न हमने देखा कि हर एक फार्मूला एक्सपेंशन बना रहा है फार्मूले के रूप में, दूसरा हमने देखा कि दो की घात जीरो, दो की घात एक, अगर इनको सम कर रहे हैं तो हम तो दो की घात आ रहा है, यानी अगर आठ की लाइन को सम करेंगे तो दो की घात आठ आ रहा होगा उसका सम। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या बन रहा है इसके अंदर, तो ग्यारह की घात जीरो एक, ग्यारह की घात एक ग्यारह, ग्यारह की घात दो एक सौ इक्कीस, ग्यारह की घात तीन, अब करके देखिए ये ग्यारह की घात चार, ग्यारह की घात पाँच बनता चला जा रहा है। इसका एक और यूज़ देखते हैं, सपोज कि हमारे पास छः फ्रेंड हैं और मुझे तीन लोगों को चुनना है, उनमें से तीन को कहीं जाना है, तीन की टीम बनानी है, मैं छः में तीनों कैसे चुनूंगा, तो जो मैथ में कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के सवाल होते हैं तो हम करते हैं सिक्स सी थ्री, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, फैक्टोरियल सिक्स का फार्मूला होता है फैक्टोरियल थ्री एन सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर एन फैक्टोरियल आर, इसको सोल्व करेंगे सिक्स फाइव फोर फैक्टोरियल थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, थ्री को सॉल्व करेंगे तो थ्री टू वन, तीन दूनी छः, पाँच चौक बीस हमारा आंसर आया, पर ये आंसर हम यहीं देख सकते थे, छः को तीन में चुनना था तो हम बिको ट्वेंटी, और हम इसमें देख सकते हैं सॉल्व भी करना है सिक्स रो में फोर्थ एलिमेंट वन टू थ्री फोर बिकट आल्सो ट्वेंटी, अमेजिंग। एक पैटर्न और देखते हैं, सेकंड रो ग्यारह, वन इंटू टेन पावर जीरो, वन इंटू टेन पावर वन,
प्लस वन 11, नेक्स्ट में क्या होगा 1 इंटू 10 पावर 0, 2 इंटू 10 पावर 1 एंड 1 इंटू 10 पावर 2, 100 प्लस 20 प्लस 1, 121। तो सेम पैटर्न यहाँ ये सारे नंबर फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1 प्लस 0 1, उसको हम लिख लेते हैं अपने कंसेप्ट बनाने के लिए। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसके हेल्प से 1 इसके पास में इमेजिनरी 0 मानने हैं, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, अगेन इमेजिनरी 0 मान लेते हैं, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, 0 प्लस 1 1, यहाँ 0 मान लेना है इमेजिनरी, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 0। तो आप देख रहे हैं कि ये बाइनरी का एक अमेजिंग ट्रायंगल बनकर तैयार हो रहा है। तो ये एक और बाइनरी का इमेजिंग ट्रायंगल तैयार बनकर हो गया है। 1 का है बाइनरी में, ये 3 को रिप्रेजेंट करता है, 5, 17, 51, 85, 251। एक और अमेजिंग बात देखते हैं पास्कल ट्रायंगल की, अगर मैं इसको एल कर दूं तो देखेंगे 3 दो 5 और 6, इसका सम मुझे यहाँ मिला हुआ है, कहीं भी कर सकता हूँ मैं, 6 3 9 और 10। जहाँ भी मैं इसको लाकर एल जोड़ूंगा तो मुझे एल पर इसके इस रो पर इनका नंबर का सम मिल जाएगा। अगर हम इसको एक डिफरेंट नज़रिए से देखें कोशिश करते हैं, एक अगेन एक एक और एक दो, मैं दोबारा लिख देता हूँ नंबरों को जो आ रहा है, पहले एक आया, अगेन एक आया, ये डायगोनल कर गया, दो दो और एक तीन, तीन और एक चार और एक पाँच, चार तीन सात और एक आठ, पाँच छः पाँच ग्यारह और एक बारह और एक तेरह। तो कुछ अमेजिंग पैटर्न आपको दिखाई दिया जो मैं देख पा रहा हूँ, एक जीरो एक, एक को दो और एक तीन, तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, आठ पाँच तेरह। जी हाँ, जो गणित के दो बहुत बड़े पैटर्न हैं तो पास्कल ट्रायंगल, इसमें हमने कई सारे पैटर्न देखे कि दो की घात में बढ़ता चला जा रहा है, ग्यारह की घात में बढ़ता चला जा रहा है, डायगोनल में एल बना रहे हैं तो सम आ रहा है, और हमने बाइनरी में भी देखा कि बाइनरी में भी एंगल कितना अमेजिंग जा रहा है इनफाइनाइट तक, और भी देखा कि फिबोनाची की सीरीज जो है डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रही है हमें इसमें, पर हमको अगर हम शैलो डायगोनल के रूप में अगर ढूंढने की कोशिश करें तो फिबोनाची सीरीज भी हम मिल रही है। इसकी अगर अलग वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची सीरीज के बारे में, एक्चुअल फिबोनाची सीरीज हमें प्रकृति में नेचर में कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय दोस्तों।